शिव की जटा से धरा पर उतरी, सबका कलुष समेट कर भी सदा का सम्मान तुम्ही से मां, सदा मेरे मन में तुम बसती मां। नमन तुम्हें, वंदन तुम्हें, हर 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 गंगे माँ, हर 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 गंगे माँ, हर 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 गंगे माँ, गंगे। गंगा संसार की पहली, दूसरी नहीं, 37वीं सबसे लंबी नदी है। नील और अमेज़न इससे कहीं लंबी है, परंतु महिमा और गरिमा में इसकी तुलना किसी अन्य नदी से नहीं की जा सकती। गंगा के जन्म की कहानियां बेहद रोचक हैं। मिथक के अनुसार राजा सगर के वंशज भागीरथ ने ऋषियों के कोप से भस्म अपने पुरखों की मुक्ति के लिए कड़ी तपस्या से गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का वरदान प्राप्त किया था। इस अलौकिक नदी के प्रलयंकारी वेग से जिस सर्वनाश की आशंका थी, उसका निवारण महादेव शिव ने अपने मस्तक पर गंगा के जलपात को रोक संयमित करने की कृपा की। गंगावतरण की ये घटना भारतीय पौराणिक इतिहास में समुद्र मंथन जितनी ही महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भागीरथ असाधारण जीवट वाले प्राचीन इंजीनियर थे, जिन्होंने जन कल्याण के लिए अथक परिश्रम से जलबंध निर्माण से विकराल गंगा को अपनी संतानों के लिए ममतामय मां की पहचान दी। एक अन्य कथानक में इसे विष्णु के चरण कमल से निकला बताया गया है। ये धार है अलकनंदा की, जो देवप्रयाग में भागीरथी के साथ संगम के बाद गंगा नाम धारण कर लेती है। इसके पहले भी अनेक छोटे छोटे संगम हैं, जहां नन्ही गंगाएं अपना जल इन दो प्रमुख नदियों के प्रवाह में विलय करती हैं। पाताल गंगा, विष्णु गंगा, गरुड़ गंगा, सोन गंगा, पुष्पवती गंगा, मंदाकिनी आदि। एक नहीं, एक में अनेक गंगाएं हमारी बहुलता विविधता में एकता का दर्शन कराने वाली। मैदानों में अपना सफर करती गंगा ये काम जारी रखती है। प्रयाग में यमुना और अदृश्य सरस्वती से उसका मिलन होता है, और गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते इसमें नेपाल से बहकर आने वाली नदियों के साथ दूसरी उत्तर वाहिनी जलधाराएं मिलती हैं। वास्तव में गंगा नदी नहीं, एक विशाल जटिल नदी प्रणाली है, जो हिमाचल प्रदेश की सरहद को छूती टोंस के जल को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है।
भारत की आजादी के बाद जिन महत्वाकांक्षी नदी जल परियोजनाओं का सपना साकार हुआ है, उनके माध्यम से गंगा की जीवनदायिनी धारा राजस्थान में मरुस्थल तक पहुंच चुकी है। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, जाने कितनी सदियों से ये सवाल पूछा जाता रहा है और जाने कितने लोगों ने इसकी खोज अपनी अपनी तरह से करने की कोशिश की है। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, लहरा पानी में जैसे धूप छोड़े। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, लहरा पानी में जैसे धूप छोड़े। रात कारी दिन उजियारा, मिल गए दोनों साए। साजन देखो रंग रूप के, कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया, नदियों में मैं गंगा हूं, अर्थात विश्व में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा है। ईसा के जन्म के कई सौ बरस पहले जब यूनानी विश्व विजेता सिकंदर भारत पहुंचा तो उसकी महत्वाकांक्षा गंगा तक पहुंचने की थी, जिसे तब दुनिया का पूर्वी छोर समझा जाता था। महाकवि कालिदास की पांचवीं सदी में रची अनेक कृतियों में गंगा के दर्शन होते हैं। मेघदूत में वो भटकते मेघ को रास्ता बताते शिव के मस्तक पर विराजकर उमा को ईर्ष्या अनायास दग्ध करने वाली गंगा का वर्णन करते हैं, तो रघुवंश में हिमकणों के स्पर्श से शीतल गंगा जल का उल्लेख करते हैं। भर्तृहरि के वैराग्य शतक में भी गंगा का बड़ी श्रद्धा के साथ अनेक बार स्मरण कराया गया है। इनके 300-400 वर्ष बाद केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य का गंगा स्त्रोत प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण से हमें मंत्र मुग्ध कराता है। गंगा स्नान की महिमा निराली है। इसका जिक्र 8वीं सदी में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया है और यही बात 1000 साल पहले हिंदुस्तान पहुंचे अरब मुसाफिर अल बरूनी के बखान में भी दर्ज है। मुगल बादशाह अकबर अपने पीने के लिए गंगा जल का ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि ये बात सर्वविदित थी कि इस नदी का जल सबसे कम प्रदूषित और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मुगल काल में कवि शिरोमणि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा लहरी की रचना कर इस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया। उर्दू शायरी के बाबा आदम समझे जाने वाले वली दखनी के सुखन में प्रेमी को देख लेने की कामना की तुलना गंगा स्नान के अतुलनीय सुख से की गई है। मुझे गंगा
के पार मिलना, वो बोरी मोसे गंगा के पार मिलना। मैं तो सोने की हो, मैं तो सोने की तो है बिना मुदरी मोसे गंगा के पार मिलना, वो बोरी मोसे गंगा के पार मिलना। मुझसे गंगा के पार मिलना, मुझसे गंगा के पार मिलना। मैं तो जाऊंगी, हाँ मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी ओ रे हरी चुनरी, मुझसे गंगा के पार मिलना, मुझसे गंगा के पार मिलना। अल्लामा इकबाल के तराना हिंदी की अविस्मरणीय पंक्ति है, ए आबरू दे गंगा होगा तो याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि हमारी साझा विरासत को गंगा जमनी तहजीब का नाम दिया जाता है। सचमुच कितने विविध रूप हैं गंगा के। हिमालय की बेटी माखनलाल चतुर्वेदी गंगा की बिदाई परोपकार के लिए पिता द्वारा लायक पुत्री को पहाड़ी पीहर से मैदानों में ससुराल पठाने का भावभीना रूपक बांधा गया है। तो असमी लोक गायक संगीतकार भूपेन हजारिका ने लोहित ब्रह्मपुत्र को संबोधित करके जो मूल गीत लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद गंगा को ही आधार बनाता है। ओ गंगा बहती है क्यों, विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निःशब्द सदा ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निःशब्द सदा ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। जब जब अन्याय या अत्याचार से मानवता त्रस्त होती है, उसे माँ गंगा का स्मरण अनायास हो आता है। दुष्यंत कुमार की गजल इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इसी तड़प का उदाहरण है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। भारतीय कवियों ने ही नहीं, अंग्रेजी कवियों ने भी गंगा का गुणगान करने में कोई संकोच नहीं किया। रॉबर्ट सदे की रचना गंगा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें इसका वर्णन मेरु तनया के रूप में किया गया है, उमा पार्वती की बड़ी बहन के रूप में। अतीत में गंगा का एक रूप जंगलों पहाड़ी कंदराओं को पार करने वाले राजपथ का भी रहा है। 19वीं सदी तक गंगा नदी पर नौकायन आम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने यात्रा वृत्तांतों में इस जलमार्ग पर आवाजाही का रोचक वर्णन किया है। ऐसा समझना भूल है कि गंगा की प्रतिष्ठा सिर्फ उत्तर भारत में ही है। धुर दक्षिण में चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में एक बड़ी सी चट्टान पर गंगा अवतरण का दृश्य उकेरा गया है। इस पाषाण खंड में एक कुदरती दरार है और कलाकार ने बड़े कौशल से उसे आकाश से उतरती नदी का रूप दे दिया है। हजार साल पहले जब पराक्रमी चोल नरेश राज राजेश्वर ने नई राजधानी बसाई तो उसका नामकरण किया गंगई कौंड चोलपुरम। कन्नड़ के समर्थ कवि गोपाल कृष्ण आडिगा की एक कविता की मार्मिक पंक्ति है, हम सबके भीतर बहती है अंतः सलिला गंगा, सदा नीरा जीवनदायिनी। वैदिक काल से साम गायन की जिस परंपरा से ध्रुवपद शैली विकसित हुई,
उसे 20 पीढ़ियों से संरक्षित रखा है इस्लाम के अनुयायी डागर बंधुओं ने। इसमें गुरु गंभीर आलाप के बाद जब हर 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 महादेव गंगाधर का नाद ज्वार की तरह उफलता है तो मानव मात्र के कल्याण के लिए धरा पर अवतरित हो रही गंगा का रौद्र रूप आंखों के सामने मूर्तिमान होने लगता है। मैदानों तक पहुंचते पहुंचते गंगा की गति मंथर होने लगती है। शिव की जटाओं में भटकता दर्प तिरोहित हो जाता है और कोप शांत हो जाता है। मानो गंगा पर्याय बन जाती है सुख समृद्धि के अपार स्रोत का। यही ध्वनि सुनने को मिलती है लोकप्रिय फिल्म संगीत में प्यार की गंगा बहाते चलो। जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने लोभ और स्वार्थ से आज हमने गंगा के अस्तित्व के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। गंगा के बिना भारत का अस्तित्व संभव नहीं है। ये तन के मैल से मुक्ति देकर पाप विमोचनी के रूप में दिलों में बहती है। भारत की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है और इसकी सबसे बड़ी वजह यदि कोई है तो वो है पतित पावनी गंगा की जलधारा, जिससे हम निर्मित होते हैं। प्रायः उसी तत्व से खंडित भी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। गंगा के कारण यदि भारत प्रतिष्ठित हुआ तो गंगा की दुर्दशा देखकर विदेशी हम पर हंसते भी हैं, मानो हमसे कहना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी मूल्यवान संपदा को गंवाने को आतुर हो। इतनी सारी सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक विशेषताओं के बावजूद दिव्य गंगा हमारे अज्ञान और उपेक्षा से जूझती रही है। गंगा के नजदीक बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता की चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को भी प्रदूषित किया है। वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। गंगा में 2,90,00,000 लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिराया जा रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा का जल है। ये बड़ी चिंता की बात है कि गंगा जल न स्नान के योग्य रहा, न पीने के योग्य और न ही सिंचाई के योग्य। गंगा के पराभव का अर्थ होगा हमारी समूची सभ्यता का अंत। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए घड़ियालों की मदद ली जा रही है। शहर की गंदगी को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और उद्योगों के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं। भूल गए हैं हम, बहता पानी ही निर्मल होता है, वही हमें जीवन दान देता है, भूमि को बंजर नहीं होने देता। हमारा कर्तव्य है कि हम इस जीवनदायिनी सरिता को प्रदूषण से बचाएं, सूखने न दें। पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी तरह समझो तो गंगा है वरना बहता पानी। एक गूंज सुनने को मिलती है भजन में, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, निर्मल होत शरीर। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर,
तो दूसरे लोकगीत में गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई, गंगा आरती में भाग लेना एक रोमांचक अनुभव है। शंख घंट की ध्वनि के साथ बड़े बड़े दीप स्तंभ गोलाकार घूमते हुए गंगा तट पर संपन्न इस दैनिक अनुष्ठान में नजर आते हैं। अनगिनत दियों का प्रकाश गंगा के प्रवाहमान जल में अपने प्रतिबिंबों से आकाश में झिलमिलाते तारों की याद दिलाता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय की प्रेरणा देता है। अनायास इस बात का भी स्मरण होने लगता है कि गंगा पर बने छोटे बड़े बांधों से जिस पन बिजली का उपहार हमें मिलता है, वो भी इस आरती की तरह ही हमारे जीवन को आलोक से भरते बदलते समय के साथ है। आज भी हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान गंगा के साथ जुड़ा है। हम गर्व से कहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।